नमस्कार दोस्तों, आज हम मालपुआ बनाने जा रहे हैं। एकदम मालपुआ बनाने का एकदम परफेक्ट रेसिपी आपको बताने जा रहे हैं, जिसके लिए इसका सबसे पहले घोल जो बनाएंगे मालपुआ का, उसके लिए चाहिए 1 केजी दूध का ही मावा है और आधा केजी मैदा लिए हैं, और ये काजू क्रश किया हुआ है, किशमिश है, थोड़ा सा सौंफ है, महीन वाला सौंफ होता है ना वो वाला है, बादाम है, इलायची पाउडर है, और ये सूखा हुआ नारियल उसको हम घस के रखे हैं, और 1 गिलास दूध है। चलिए सबसे पहले इसका हम घोल तैयार करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में ये मावा को रखेंगे, इसमें जो दूध है इसको अच्छे तरह से इसका मावा निकाल लेंगे। अब इस मावा को ये दूध के साथ इसको मथेंगे, मिलाएंगे अच्छी तरह से, इसको एकदम तोड़ देंगे अच्छी तरह से, इस तरह से। हल्का हल्का दूध ऐड करेंगे, आप चाहे तो बाजार का भी मावा ले सकते हैं। ये आधा केजी मैदा में 150 ग्राम मावा चाहिए। इसमें पूरा दूध ऐड कर देंगे। इसमें धीरे धीरे करके मैदा डालेंगे। एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो इसमें गांठ पड़ जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे करके इसमें सारा मैदा मिला देना, हल्का हल्का पानी देके इसका घोल तैयार करेंगे। इस तरह से हल्का हल्का पानी ऐड करके इस तरह का घोल तैयार करना है। देखिए, न पतला है न खूब गाढ़ा है। अब जो घोल तैयार हो जाएगा तो इसमें जितना भी ड्राई फ्रूट है सबको डाल देंगे। ये इलायची भी, इलायची कम नहीं देना है, कम से कम 10-12 इलायची जरूर डालिएगा। इस सौंफ, इस सब को अच्छे तरह से मिला के 1 घंटा के लिए इसको छोड़ देना है ढक के, और 1 घंटा के बाद इसको बनाएंगे। अब इसको 1 घंटा के लिए छोड़ देंगे। अभी गर्मी है इसलिए 1 घंटा छोड़ेंगे, ठंडा का टाइम में 2 घंटा इसको छोड़ना है। मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी बनाएंगे। इसमें आधा किलो मैदा के लिए 750 ग्राम चीनी लगेगा। इसका चाशनी बनाएंगे, ना ज़्यादा पतला होगा और ना गाढ़ा होगा, एकदम मीडियम, जैसे गुलाब जामुन का चाशनी होता है ना, उसी तरह से बनाना है।
इसको लगातार चलाते हुए चाशनी बनाइए, नहीं तो नीचे चीनी बैठ जाएगा। चीनी जब घुल जाएगा ना, तब इसको चलाना छोड़ दीजिएगा। चाशनी में उबाल आ गया है। अब इसको उबाल आने के बाद इसको 3-4 मिनट तक इसको पकाएंगे। चाशनी में थोड़ा सा केसर के धागे डाल देंगे। ये चाशनी बन गया है। अब इसका गैस बंद कर देंगे। डेढ़ घंटा हो गया। देखिए, वो हाथ से ऐसे इस तरह से चम्मच से फेंटेंगे। और इधर हम ऑयल गरम करने के लिए डाले हैं। रिफाइंड है, आप चाहें तो घी में भी तल सकते हैं। घोल थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसमें हल्का पानी डाल के इसको गीला करेंगे। याद रखिएगा, आधा केजी में 1 किलो फुल क्रीम का खोआ डालना है मावा, और आधा केजी दूध डाल के इसको घोल तैयार करेंगे। अब चेक करते हैं गर्म हुआ है कि नहीं। गर्म हो गया है। इस तरह से अलग अलग डालेंगे एक एक पीस। आंच को तेज ही रखेंगे। देखिए, इस तरह से फूल जाएगा तो समझिए मालपुआ मेरा अच्छा बनेगा। अब इसको पलट देंगे। इसको लाल, आपको लाल खाना हो तो लाल बनाइएगा, अगर आपको थोड़ा कम लाल खाना है तो कम लाल कीजिएगा। मेरे यहाँ सब पूरा लाल खाता है। इसको उलट पलट कर लाल करेंगे। एक बार इस तरह से मालपुआ बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक बार बना लीजिएगा इस तरह से, तो फिर दोबारा कोई भी तरह का आपको पसंद नहीं आएगा, इसी तरह का आप बनाएंगे। इसमें चाहे तो आप मगज भी डाल सकते हैं, चिरौंजी भी डाल सकते हैं, जो मेवा आपको पसंद है वो डाल के बनाइए। लाल हो गया है, अब इसको निकाल लेंगे। ऐसे तेल गाड़ के गैस को कम कर देंगे। इस तरह से चाशनी में डुबाएंगे। एक मिनट तक इसमें चाशनी में डुबो कर रखेंगे। बाकी को भी इसी तरह से बना लेंगे। देखिए कितना अच्छा फूल रहा है, इस तरह फूलना चाहिए तब एक नंबर मालपुआ बनेगा। इस तरह से छन्नी में निकालेंगे, इसका एक्स्ट्रा जो रस है वो निकल जाए। इसको इस पर गड़ने के लिए छोड़ देंगे।
देखिए कितना परफेक्ट बना है मालपुआ, दम रस भरा हुआ। जितना आपको खाना है उतना छानिए और खाइए, बाकी ये घोल को है ना फ्रिज में रख दीजिए, जब आपको खाना हो तब इसको छान के खाइए, और रस को गर्म कर लीजिएगा और छान के रस में डुबा के खाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।